मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव करीब हैं और अब कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने अपने नए वचन पत्र में किसान कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने की बात कही है और कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को ललकारा भी है। तो क्या कहा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 52 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की मौजूदगी में वचन पत्र का लोकार्पण किया। साथ ही लोकार्पण करते समय कमलनाथ ने कहा कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3 साल में एमपी का भविष्य बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को इस बार सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति करती है, जब शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात आती है तो बीजेपी के लोग पाकिस्तान और चीन की बात करने लगते हैं। पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य मुसीबत का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुरू में शिवराज संक्रमण का केवल मजाक उड़ाते थे और 7 महीने में नारियल फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कमलनाथ ने 2018 विधानसभा चुनाव के वचन पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पिछले वचन पत्र में 974 मुद्दे शामिल थे, इनमें से 574 वचन 11.5 महीने में कांग्रेस सरकार ने पूरे किए। कुल मिलाकर पूर्व सीएम कमलनाथ जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता कमलनाथ को कितना साथ देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।